यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चालीस साल सत्ता रही, केवल कोई केवल काम का हनन उन्होंने, केवल जनता का हनन किया। हम लोग अमेठी के निवासी, अमेठी के निवासी है, आम आदमी भी है। उन्होंने 15 साल अमेठी में कुछ नहीं किया, केवल चाचा भाई भाई करके हाथ चले गए और आप भाई भाई कह सकते हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, काम नहीं हुआ। हम आम पब्लिक अमेठी की पब्लिक है, यहाँ में जनता फैक्ट्री चली गई। 25 साल से सांसद रहे, 10 साल मनमोहन प्रधानमंत्री रहे, कोई काम नहीं हुआ। राहुल गांधी अमेठी के निवासी हैं, अमेठी टाउन के निवासी हैं हम लोग। यहाँ की जनता मूर्ख, हम लोग कोई पार्टी से नहीं, हम लोग राहुल कोई कोई हमारा कुछ नहीं कर रहा। यहाँ बाईपास का मुद्दा है, अमेठी के लोगों का मुद्दा है, अमेठी के लोगों के साथ हमें हुआ है। केवल खिलवाड़ हुआ है, किसी तरह का विकास अमेठी में नहीं हुआ है। अमेठी में हाँ हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग आम से लोगों की संख्या में हैं। हम सब अमेठी की जनता जी, हमारा नाम दीपक अग्रहरी, आम आदमी हूँ मैं, एक व्यापारी हूँ। अरे हो गया बस, अरे यार शांत रहो। आज अमेठी क्षेत्र की जनता, कम से कम 3 दर्जन जनप्रतिनिधि, प्रधान और बीडीसी अपने सांसद को देखने और यह सवाल पूछने आए थे कि सांसद महोदय, आप विकास की बात करते हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को जब गर्भवती महिलाओं को पीड़ा होती है, एक भी अंडर ब्रिज अमेठी क्षेत्र में नहीं है जिससे उसकी महिला की जान बचाई जा सके। न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था, न चिकित्सा की व्यवस्था। ऐसे सांसद जो अमेठी को बदनाम किए जाके गुजरात में भी, कि अमेठी में हमने बहुत विकास किया। हम लोग ठगे हैं, कहीं के नहीं रहे। 38 साल से कांग्रेस पार्टी यहां राज कर रही है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी रही हो, हुकूमत कांग्रेस के ही रही। राजेश जी, विरोध क्यों था? काला झंडा क्यों दिखाया गया? काला झंडा नहीं, शांत रहो यार, काला झंडा नहीं दिखाया गया। हम लोग 8 सूत्री ज्ञापन लेके आए थे और हम लोगों का ये तय था कि हम मुंह बंद करेंगे, हम ना जिंदाबाद करेंगे, ना मुर्दाबाद करेंगे और ना काला झंडा दिखाएंगे। लेकिन प्रशासन की चूक से एक कांग्रेसियों का जत्था प्रशासन ने जो बैरिकेटिंग की थी उसके आगे आके खड़ा हो गया और उसने खड़े लोगों के जो खड़ी थी आम जनता, कूद के एक लात मारा आम जनता को, आदमी को। इससे जनता उद्वेलित हुई, अगर कांग्रेसी इस तरीके की हरकत करेंगे तो आज तो मूक विरोध था, इसके बाद आंदोलनात्मक विरोध होगा। आज अमेठी क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि की तरफ कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया और खाली यहाँ अमेठी आकर के सी गुफा छोड़ के जाते हैं।
इससे कुपित होकर के लोग आए थे। ना किसी के पास झंडा था, ना किसी के पास डंडा था, विरोध का कोई मकसद नहीं था। हम लोग सिर्फ इसीलिए खड़े थे कि सांसद महोदय हमारा 8 सूत्री आप मांग देख लें। सांसद से आम जनता डिमांड रखती है, हमारी 8 डिमांड है। मीडिया के माध्यम से हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप ये जनता की, पूरे देश की जनता के सामने रखें। क्या आज भी राजशाही इसी तरह चलेगी? जो सांसद अपने क्षेत्र के लोगों की मूलभूत समस्याओं से अवगत नहीं है, प्रेग्नेंट महिला को अगर रात में दर्द उठ जाए और अगर वो लाइन उस पार का है तो वो अस्पताल नहीं पहुंच सकता। एक भी अंडर ब्रिज का निर्माण आज अमेठी में नहीं है, अस्पताल नहीं है, एक एक सरा नहीं हो सकता है। आखिर ये सब क्या है VIP क्षेत्र के नाम पर? सरकार बीजेपी, शांत रहो यार, 8 महीने से बीजेपी है ना, 8 महीने से। मैं 38 साल की बात कर रहा हूँ, अब तो हो रहा है। अस्पताल गिर गया और स्पेशल सुविधाओं से लैस अस्पताल बन रहा है, आज तक क्यों नहीं हुआ?